गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग हिंदी देख रहे हैं। हिंदी में नेक्स्ट चैप्टर कौन सा है, चलो देखते हैं। चैप्टर नंबर 6, पेटू राम। ठीक है, क्या है वो चैप्टर में, चलो देखते हैं। सुनो और दोहराओ। दोहराओ मतलब बोलना है। पेटू राम, चाहिए भोजन तैयार है, सॉरी चलिए भोजन तैयार है, आप भोजन कीजिए। मैं, क्या आप भोजन नहीं करेंगे, आज मेरा उपवास है। कौन बोल रहा है, पेटू राम। पेटू राम को एक जो इंसान है वो बोल रहा है चलो भोजन कीजिए, लेकिन पेटू राम क्या बोल रहा है, मैं ऐसा कर रहा है। और फिर वो इंसान क्या बोल रहा है, हाँ आप, क्या आप भोजन नहीं करोगे। फिर आगे क्या हो रहा है, देखो आज मेरा उपवास है, ऐसे पेटू राम बोल रहा है। उपवास में कुछ तो लेते होंगे, सामने वाला इंसान बोल रहा है। हाँ थोड़ा बहुत खा लेता हूँ। कौन बोल रहा है, पेटू राम। फिर संकोच कैसा, संकोच कैसा मतलब फिर क्यों शर्मा रहे हो खाने के लिए, कृपया बताइए। अंगूर मिलते हैं, हाँ बहुत मिलते हैं, केवल आधा किलो मंगवा ले। देखो पेटू राम बोल रहा है। फिर और आधा डजन केले, एक किलो सेब और एक पाव मेवा, सवा पाव मिठाई बस, या कुछ और, सामने वाला इंसान पूछ रहा है। फिर पेटू राम बोल रहा है आधा लीटर दूध और रबड़ी बस। ठीक, और कुछ, और कोई आज्ञा, आज्ञा मतलब और कोई, और कोई ऑर्डर है आपको, ऐसा पूछ रहा है। नहीं नहीं, आज मेरा उपवास है, व्रत के दिन मैं अधिक नहीं खाता। देखो इतना सारा मंगवाया है उसने, क्या क्या मंगवाया है, सेब मंगवाए है, केले मंगवाए है, रबड़ी, मावा, दूध, इतना सारा मंगवाया है, वो भी आधा लीटर, पाव लीटर, आधा डजन, एक किलो, ऐसा सब उसने मंगवाया है। इतना खा के उसको सामने वाला इंसान पूछ रहा है और कुछ ऑर्डर है आपकी, तो बोल रहा है नहीं मेरा कुछ नहीं, बस इतना सही मैं खाता हूँ, उपवास के दिन में ज़्यादा नहीं खाता। अभी आप ही बताओ ये ज़्यादा है कि कम है। इसलिए ये पाठ का नाम क्या दिया है, पेटू राम। फोटो देखोगे तो आपको पेटू राम दिखाई देगा, देखो कैसा पेटू राम है, फुला हुआ है कि नहीं। आगे क्या है, विराम चिन्ह को पहचानो और पढ़ो। विराम चिन्ह मतलब जो साइन होती है आपके, हम लोग जब कोई भी सेंटेंस लिखते हैं तो साइन मारते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, विराम चिन्ह। तो वो विराम चिन्ह देखो, हिंदी में पूर्ण विराम, पूर्ण विराम मतलब फुल स्टॉप। ऐसे हम लोग लिखेंगे तो खाली एक डॉट देते हैं, लेकिन हिंदी में वैसे नहीं होता, हिंदी में एक स्टैंडिंग लाइन देनी पड़ती है, उसको फुल स्टॉप कहते हैं। इंग्लिश में फुल स्टॉप कहते हैं, हिंदी में पूर्ण विराम मतलब फुल स्टॉप, विराम मतलब स्टॉप, अल्प विराम मतलब कॉमा, प्रश्नवाचक मतलब क्वेश्चन मार्क, विस्मयाबोधिक मतलब एक्सक्लेमेटरी मार्क, अर्ध विराम मतलब हाफ हाफ कॉमा। ठीक है, देखो वो जो विराम चिन्ह है वो कहाँ कहाँ पे यूज होते हैं, देखो बताया है। अंगूर मिलते हैं, क्वेश्चन मार्क दिया है, क्वेश्चन पूछा है उसने, सवाल पूछा है। अंगूर मिलते हैं, देखो क्वेश्चन मार्क आया। मैं को क्या दिया है, एक्सक्लेमेटरी मार्क, मैं, हम लोग ऐसे करते हैं ना। आधा डजन केले कॉमा, एक किलो सेब, देखो कहाँ पे कॉमा यूज करना है, दो सेंटेंस अगर कंटिन्यू आ रहे हैं तो उसमें कॉमा लगता है। फोर्थ में क्या दिया, नहीं नहीं डैश किया है और अर्ध विराम दिया है, आज मेरा उपवास है और फुल स्टॉप दिया है। देखा आपने, ये सब विराम चिन्ह है, मैंने आपको बताया है कहाँ पे कैसे यूज करते हैं। ठीक है, उसके बाद एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज में क्या है, शब्दार्थ है, देखो वो आपको लिखना है, और फिर क्वेश्चन भी दिए है, वो भी आपको नोटबुक में करना है, कॉपी करना है, बाकी कुछ भी करना नहीं है। होमवर्क में क्या है, सेम राइट द एक्सरसाइज इन योर हिंदी नोटबुक। ठीक है, शब्दार्थ और क्वेश्चन आंसर आपको किस में कॉपी करने हैं, हिंदी नोटबुक में। ओके, थैंक यू, बाय।